मैं पालीवाल सर आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम लोग लगातार सरकार का रवैया भी देख रहे हैं और रवैया के अकॉर्डिंग कई बार हमारे साथी DPI में भी गए हुए हैं। उन सब का बर्ताव भी देखा है कि अधिकारियों ने उनके प्रति कैसा व्यवहार किया है। हर चीज़ ये बात हम आपसे पहले से ही बोलते आ रहे थे कि इस समय DPI का जो बर्ताव है या अधिकारियों का जो बर्ताव है या मंत्री जी का जो बर्ताव है शिक्षा मंत्री जी का वो गलत है। कहने का मतलब है मध्य प्रदेश शासन की गलत नीतियों का हम लोग एक तो शिकार हुए हैं और एक इसके बाद भी सरकार गलत करने पर पूर्णतः उतरी हुई है। भर्ती एक लाख अभी हम देखे कि फिर 1 लाख भर्ती निकलेगी, अब किसकी निकलेगी ये मालूम। केवल कागजी कार्रवाई सरकार हमारी केवल कागजी कार्रवाई करती है, वास्तविकता जीवन में कोई नहीं है, ध्येय नहीं है, सरकार का भी कोई ध्येय नहीं है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा आंदोलन के लिए और बिना मांगे आपको बिना छीने अब तो वो समय आ गया है आप लोगों को अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। अरे हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, अगर जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं लगभग और 8 साल बाद फिर भर्ती निकलेगी, ये कन्फर्म है कि भर्ती फिर 8 साल बाद निकलेगी, हम आप लोगों से ये पूछते हैं 8 साल बाद क्या आपके डॉक्यूमेंट सही बने रहेंगे क्या? इसीलिए अब केवल धरातल पर उतरिए, मैं तो ये कह रहा हूँ जेल भरो आंदोलन, जेल भरो आंदोलन। छिपरा नदी का जो प्रोग्राम है वो भी करें होंगे हम लोग। कहने का मतलब है अपने अधिकार के लिए धरातल पर उतरें। अगर आपको केवल अब सीधा सीधा एक ही उपाय है तांडव, तांडव यदि आप कर सकते हो अपना अधिकार छीन सकते हो और अगर ये मध्य प्रदेश के वही लक्षण हमारे अंदर रहेंगे जो वही चीज़ बार बार छिपना है ना, इधर उधर दुखना, भाई आगे जाएं कहीं पानी के पाउच बांटना, अगर ये ऐसी प्रवृत्ति आप लोगों की रहेगी मैं ये कह रहा हूँ पद बद्धि नहीं होगी। इसीलिए हम आपसे केवल एक निवेदन करना चाहते हैं कि धरातल पर उतरें, वास्तव में अगर नौकरी चाहिए, देखो दो चीज़ें हैं, समय खराब ना करें, समय खराब नहीं करें। अगर वास्तविक आपको नौकरी चाहिए है, रियल में आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपके परिवार को नौकरी की आवश्यकता है ना, तो फिर कैसा संकट। अरे भाई मान लो हम भूखे हैं, अब एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय है कि ये रोटी दिख रही है, उस रोटी के टुकड़े को हमें छीनना है, अपने परिवार को बांटना है, अब उसके लिए क्यों छिप रहे हो आप लोग? सरकार क्या करेगी भाई, अब इससे तो बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता भाई। हमारे सरकार गलत कर रही है, हम गलत नहीं कर रहे, सरकार हमारे अधिकारों को हनन कर रही है, सरकार हमारे अधिकारों को हनन कर रही है। इस वर्ष 2023 में दो दुर्भाग्य की बात, सरकार के द्वारा दो रणनीति चली गई हैं जिसमें सहयोग पूर्णतः DPI के अधिकारियों का सहयोग है। एक तो पदों का कम देना, एक तो 2000 अन्य एग्जामों में इस बार पदों की संख्या कम होना और दूसरी बात वो भी बैकलॉग पदों का भी होना, दोनों दुर्भाग्य हैं। हम लोगों में कोई संदेह नहीं है, आपकी क्वालिटी में कोई संदेह नहीं, इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सरकार को मौत तोड़ जवाब दें, सरकार को मुँह तोड़ जवाब दें। आज देख रहे हैं ना अतिथियों की हर बात क्यों मानी जा रही, अरे अतिथियों के अंदर कलेजा है, अगर अपने अंदर भी कलेजा है उतरिए धरातल पर उतरिए। और जिन भाई बहनों के वास्तव में नौकरी चाहिए तो वो धरातल पर उतरे, अपने अधिकार के लिए उतरे। देखो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी चाहे कैसे भी हो, नहीं तो सरकार किसी को नियुक्ति देने वाली नहीं है। अब ये हमने तो ये देखा अपना, कई बार हम देखते रहते हैं ग्रुप में, बहुत कम बात करते हैं, तुम लोगों को मालूम है फालतू का बात हमें कम पसंद है ना, अपना लगे हैं। अभी कुछ लोग हमारे देखे ना DPI में अपनी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे जीवन से तो तुम्हारा जीवन धक्कार है, नरक है, और वैसे भी जीवन अगर पदवृद्धि नहीं हुई नरक होगी, जिंदगी नरक होगी, इसीलिए इस नरक की जिंदगी को बचाएं, धरातल पर उतरें। और दूसरी बात, जितने भी अतिथि भाई हमारे दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, वो अतिथि भाई विशेषकर वो अतिथि भाई सुन लें कि आप लोगों का अधिकार है, आप एक अतिथि नहीं हैं, आप एक परमानेंट शिक्षक हैं। जैसा सब लोग ना देखे हो ना अपने स्कूल में, बढ़िया बिंदास वो लोग बैठे होंगे और तुम लोगों से काम कराते रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अतिथि नहीं हैं, सरकार की गलत नीति आप अतिथि, आप गलत सोच रहे हैं कि आप अतिथि, आप एक परमानेंट शिक्षक हैं।
हम देख रहे हैं डीओ कार्यालय में अतिथि ऐसे फिर रहे हैं, सर वो हमका ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, हमका वो नहीं कर। अरे जीवन धिक्कार है तुम लोग ऐसे अतिथियों का, जो दो एग्जाम जो क्वालिफाइड है उनका जीवन धिक्कार है, नरक है उनका जीवन। अगर जो धरातल पर अपने अधिकार को नीच खींच सकते हैं, दो एग्जाम आप क्वालिफाइड है, आप मेहनती हैं, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक की योग्यता रखते हैं, केवल आप एक है ना, कहने का मतलब अपने अंदर एक शिक्षक का गुण होने के बावजूद भी अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेटर है। तो इसीलिए हम सभी समस्त भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग धरातल पर उतरें, धरातल पर उतरें, बिना अधिकार छीने अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आंदोलन की जो डेट है, 8 नवंबर डेट चल रही है, क्या क्या प्रोग्राम होगा वो हम सब करें, लेकिन ये वीडियो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचाएँ, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो पहुँचे, हर अतिथि भाई पर पहुँचे जो दो दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। अब इस आंदोलन में अतिथि भाई भी उतरेंगे, वो अतिथि भाई हमारे जो हैं एक शिक्षक हैं, परमानेंट शिक्षक हैं। अगर आप परमानेंट शिक्षक हैं तो धरातल पर उतरें और आपका अधिकार मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ अधिकार मिलेगा, धरातल पर उतरेंगे अधिकार मिलेगा, दिवाली मनेगी, जीवन की दिवाली को सोचें। एक बार अगर आप अड़ गए ना, एक बार अगर अड़ गए, सरकार आपको नौकरी देगी, ये बात हमारा पक्का है। जय हिंद।